एंट्री देखो कितनी शानदार एंट्री है। ओ माय गॉड, बुम 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 बुम। और हम फाइनली निगेटिव पाए गए आफ्टर स्पेंडिंग 64 GB ऑफ मेमोरी कार्ड। ही वॉज एबल टू रिकॉर्ड 16 GB ऑफ। गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो आज है डे 3 और आज का प्लान ये है कि अभी हम लोग रुके हुए रामबन में। रामबन श्रीनगर से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर है, पहले है पीछे है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा हम कहाँ पर रुके हैं। रामबन में एक होटल है, होटल रामबन रेसिडेंसी, एवरेज होटल है। आप यहाँ पे आकर रुक सकते हो, दे आर वेरी गुड वाईफाई कनेक्शन फॉर श्योर, ये बेस्ट है इनके पास। सो आज का प्लान ये है कि अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से श्रीनगर के लिए, श्रीनगर वाया दरलेक, और वहाँ से दरलेक से आगे मैं और हैरी सोनमर्ग चले जाएंगे। एयरबीएन वहाँ पर जाएगा, बोट हाउस वगैरह लेगा वो। प्लान ये है कि उसके बाद हम सोनमार्ग में आज जाकर के वहाँ पे ट्राई करेंगे कैंपिंग करने का। अगर कैंपिंग नहीं हो पाया तो फिर होटल लेंगे, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सो आज की यही अपडेट है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7, हमारा मैक्सिमम प्लान है कि 8 बजे निकल जाने का, सो दैट 12 बजे तक हम लोग पहुँच जाएँ श्रीनगर। उसके बाद हम आके सोनमार्ग भी पहुँच जाएँ शाम तक। सो दैट्स अपडेट फ्रॉम डे 3। आप देखो, चलो हम लोग मिलते हैं रोड पे जल्दी। अभी सामान हमारा पूरा बिखरा हुआ है, अभी कुछ भी मतलब हमने पैकिंग वगैरह नहीं किया, देख लो आप, एकदम सब कुछ ऐसी तैसी है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा, काम चल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड और हम मिलते हैं जल्दी रोड पे आपसे। अभी हमने बाइक वगैरह पैक कर लिया ऑलरेडी, बच गए अप्रॉक्सीमेटली उधर जाकर 8, और हम निकल रहे हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए। श्रीनगर के बाद हमारा सोनमर्ग का प्लान हो गया, जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो में। ये हमारी बाइक्स हैं, तीनों बाइक पार्क हुई। आज थोड़ा मैंने सीट का ये स्लीपिंग बैग को मैंने साइड में पहले पैक कर रखा, अब मैं बीच में पैक कर रहा हूँ थोड़ा सा। 8:22 AM एंड अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए। सबकी बाइक रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। प्लान अभी जाके थोड़ा चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। चलो मिलते हैं रोड पे। तो ये है भाई रामबन सिटी, और आप देखो कितनी अच्छी व्यू है। व्यू का मजा लो यार, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग व्यू का मजा, वाओ, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है, तो हमेशा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, क्लियर करते रहते हैं लोग पत्थर को, लेकिन फिर भी पहाड़ है भाई, पहाड़ से आप पंगे नहीं ले सकते, आपको एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ साथ नदी है, तवी रिवर है आई थिंक, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली बट बताता हूँ आपको कौन सी रिवर है, बट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना, और फ्लो भी वाटर का काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मतलब पूछो मत आप। लोगों को आजान देते हैं, आप तब तक व्यू का एंजॉय लो, ऑफ रोडिंग का एंजॉय लो यार, इसको जा नहीं रहे थे, बहुत पेपा कर रहे हैं, जा भाई तू, अब देख जाने का नहीं, इसे जाना नहीं बन जाता है हिमाचल प्रदेश। ओ भाई साहब, सो ये देखो क्रेन एंड आर्मी की मूवमेंट हो रही है। अच्छा, आर्मी का ट्रक ही जा रहा है, सिर्फ क्रेन की मूवमेंट तो हो ही रही है साथ साथ। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर की गाड़ी है ये, इतनी हेवी होती है, इतनी बड़ी होती है ना ये लोग, पता नहीं। और सब लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे हैं। गाड़ी के ऊपर गाड़ी भाई, क्या करोगे। हमारे आर्मी के जवान लगे पड़े हैं रोड क्लियर कराने में।
बाकी मस्त रोड है, बहुत अच्छी है। मतलब रामबान के बाद से ना रोड अभी तक तो शानदार मिली है। नॉर्मली 50-60 पर आराम से चल पा रहे हैं हम लोग। कर्व्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब बेस्ट ये है कि आपको अभी थोड़ी ट्रैफिक कम है, सुबह के टाइम है, मतलब 9 बज रहे हैं तो ट्रैफिक कम है। ऐसे टर्न्स पे आप बेटर रुक जाओ इंस्टेड ऑफ़ यू नो क्रॉसिंग इट। यू नेवर नो कि आगे सामने से कौन सी व्हीकल आ रही है, कैसी व्हीकल आ रही है, यू विल गेट स्पेस और नॉट। हैरी सामने एकदम क्रूज करता हुआ, एलविन पीछे रह गया थोड़ा सा, बट कोई नहीं, उसको भी पकड़ लेंगे। सो लेट्स एंजॉय द व्यू, है ना, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, सो लेट्स एंजॉय द व्यू। अभी तक तो मस्त रोड है, लेट्स सी आगे कैसा सिचुएशन है। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं खंदे, ये आपका बनिहाल, मतलब बनिहाल में ही आता है। बनिहाल इज अ काइंड ऑफ आई थिंक इट्स अ डिस्ट्रिक्ट। सो बनिहाल टनल जो है वो यहाँ से 4 किलोमीटर है। हमने अभी एक्चुअली रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, एक पराठे खाया, उसके बाद से अब निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। श्रीनगर यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर है। सो 3-4 घंटे, 4 घंटे मैक्स, अगर मैं बीच में रुकते हैं कहीं फ़ोटो वोटो क्लिक कराने के लिए तो, वरना 3 घंटे। सो 100 किलोमीटर है। एंड अभी चलो टनल दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में, ये सिटी क्रॉस कर लेता हूँ आपको। इट्स अ गुड गुड सिटी, आप मतलब गुड टाउन। यहाँ पे कुछ होटल्स भी हैं अगर आपको, लेकिन आप लेट हो गए तो यहाँ पे आकर रुक सकते हो। अच्छा ओके सॉरी, ये बनिहाल ही है, कांडे मैं बोल रहा था, बनिहाल है। बनिहाल के बाद बनिहाल टनल है। सो बनिहाल इज़ अ सिटी जो यहाँ पे आप अच्छे मतलब लोकल मार्केट है, यहाँ पे होटल वगैरह कुछ हैं तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हो। और ATMs वगैरह मिल जाएंगे आपको, जो भी चाहोगे मतलब लोकल सामान सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, थोड़ी JCB की खुदाई चल रही है वहाँ पे, इसलिए ट्रैफिक जाम लग गया है। ओके सो ये श्रीनगर वाला हाईवे है। बनिहाल से आप आते हो तो आपको लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न से आपको श्रीनगर हाईवे में वापस कनेक्ट कर पाओगे। एंड सामने एरी है, एलविन तो पीछे है अभी। व्यू देखो यार, व्यू का मजा लो यार, व्यू देखो यार, मतलब अल्टीमेट, लुक्स रियली ब्यूटीफुल। यही है व्यू, यही है व्यू, ये हाईवे है, श्रीनगर हाईवे है, देखो कितना सही हाईवे, अल्टीमेट 8 लेन हाईवे है। अभी सामने आगे पता नहीं, शायद टनल वगैरह भी आने वाला है, टोल प्लाजा है 500 मीटर पे, उसके बाद शायद है वो, लेट्स सी। बाकी आप मजे लो, व्यू का एंजॉय करो। ये बनिहाल टोल प्लाजा है, उसके बाद यहाँ से आपको श्रीनगर है अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर। लेट्स सी श्रीनगर का रास्ता कैसा है। भाई टनल आ गया इसे कहते हैं ना, कश्मीर हमारा है, वो पाकिस्तान वाले कहते हैं, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, इतनी खूबसूरत कश्मीर को हम थोड़ी दे देंगे तुम्हें। देखो यार कितनी खूबसूरत कश्मीर है। और हमारे भाई साहब क्रूज करते हुए हाईवे पे, अभी हम आ गए बनिहाल टनल में। ये नया नया टनल बना है और ये अल्टीमेट टनल बनाया इन्होंने अभी। मैं थोड़ा सा वाइजर ओपन कर देता हूँ तब सही दिखेगा आपको। 40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड आपको मेंटेन करनी है। सामने दोनों भाई लोग ऑलरेडी हैं। एंट्री देखो कितनी शानदार एंट्री है, ओ माय गॉड, बुम 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 बुम, और पूरा एग्जॉस्ट देखो लगा रखा है इन्होंने, सो दैट यू नो बाहर निकल जाए। बहुत ही अल्टीमेट टनल बनाया इन्होंने।
और वन वन है, मतलब वन लेन है, सिंगल लेन है, आप इधर से जा सकते हो उधर से आ सकते हो। जैसे आपका चिनानी नासरी है, वो भी एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लेकिन उसमें है क्या कि आपको सिंगल लेन ही है, इसमें आपका डबल है, आपको उस साइड से आना है, इस साइड से जाना है, ऐसे है। जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं, धुआं थोड़ा जो आपकी क्या कहते हैं व्हीकल की एग्जॉस्टेज है वो चली जा रही है। आपको 40 का स्पीड मेंटेन करना है, बट उन भाई साहब ने बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करा 40 का स्पीड, निकल लिया आगे। अब थोड़ा हम आगे खींच दिए, हमारी रेसिंग हो रही है अब, इसको अपनी रिकॉर्डिंग करानी है, इसलिए निकल लिया आगे मेरे से कमीना। हर जगह SOS का लगा रखा है, अगर आपकी गाड़ी अगर ब्रेक डाउन हो जाती है, और लेबर एरिया की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मतलब बेनिफिट नॉट प्रॉब्लम, तो बेस्ट ये है कि आपके सिंगल लेन है, तो आप अपनी कार यहाँ पे पार्क कर सकते हो, राइट से आपके ट्रैफिक निकल जाएगी। और एग्जॉस्ट देखो कि एग्जॉस्ट फैंस कितने बड़े बड़े लगे पड़े हैं। अब आया है एग्जिट गेट यार, इतनी देर बाद। फाइनली हमने क्रॉस कर दिया अपन यहाँ टनल, दो दो या ढाई महीने पहले ओपन हुआ था ये टनल। ओ माय गॉड, इतनी ठंड लग रही है ना यार अंदर में, अब हालत खराब हुई है ना। अमेजिंग भाई, अभी हम पहुंच गए हैं बनिहाल टनल क्रॉस किया, तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में आप एंटर करते हो, और जैसे ही एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे कोविड टेस्ट कराना होगा, तो यहाँ पुलिस वाले आपको रोकेंगे, और कोविड एंटीजन टेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्जेस नहीं है, तुरंत आप जाओ और 2 मिनट्स में ही आपको टेस्टिंग करके दे देते हैं। चलो टेस्टिंग करा के आते हैं। भाई भाई रिकॉर्डिंग चेक करा, उसका बाहर रिकॉर्डिंग बाद में देखें, पहले हम अपना कोविड टेस्ट करा लेते हैं, ठीक है। हो गया तुम्हारी टेस्टिंग, हो गई पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, रिकॉर्ड कर लूँ ना? नहीं वैसे आपका डालता नहीं है, ठीक है। सो हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, चलो आप कर सकते हो। हाँ बताइए सर। प्रत्युष कुमार, प्रत्युष कुमार। हाँ आपको कहाँ जाना है सर? जाना है सर हमें श्रीनगर। अभी ऐसे कौन रिकॉर्ड करता है इधर से करके? 23 साल हम लोग अपना टेस्ट करा रहे हैं। हमारे धुरंधर तैयार है, तुम लोग पॉजिटिव आए ना? हमारे धुरंधर तैयार है, और ये गोली लेते हुए 996। ये भी नहीं है बताओ, सख्त लौंडा हमारा। क्या तुम लोग क्या हुआ था, कुछ हुआ था? नहीं हमें भी आए, हम भी आए थे खड़े थे। टेस्ट हो गया एंटीजन टेस्ट, इट जस्ट वर्क ऑफ 2 मिनट्स ओनली। और जब नाक में डालते हैं ना यार, इतनी तेज आंख में आंसू आती है पूछो मत। सो हमारा ये टेस्ट है, आपको मैं दिखाता हूँ ये टेस्ट। सो ये निगेटिव है, और हम फाइनली निगेटिव पाए गए। और मेरी वीडियो बनी है इस बार, इसकी वीडियो बन गई है इस बार, मतलब कल से ट्राई कर रहे थे, आज जाकर वीडियो बनी है बंदे की।
आफ्टर स्पेंडिंग 64 GB ऑफ मेमोरी कार्ड ही वॉज एबल टू रिकॉर्ड 16 GB ऑफ मेमोरी. तो ये थी इनकी कहानी हमारी आज की. और हम यहाँ से अब श्रीनगर निकलते हैं. आई थिंक श्रीनगर यहाँ से है 72 किलोमीटर. बनिहाल आप क्रॉस करते हो, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट रहती है, तो आप एंटर करके उसके बाद आप श्रीनगर निकल सकते हो. तो चलो मिलते हैं दोबारा हम श्रीनगर में डायरेक्ट. तो अभी मैं पहुँच गया हूँ कुलगाम. तो ये कुलगाम वाला एरिया है, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा. आर्मी की मूवमेंट अभी भी हो रही है आसपास में यहाँ पे. सो कुलगाम में एक्चुअली टेररिस्ट अटैक हो जाते थे बार बार पहले. अब तो बहुत सही सा सिचुएशन हो रखा है एंड थिंग्स हैव बिकम नॉर्मल नाउ. कश्मीर के लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं. सो कुलगाम से श्रीनगर है अप्रॉक्सीमेटली 65 किलोमीटर. आई थिंक 1.5 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से. रोड तो काफ़ी सही है, मतलब 4-लेन हाईवे है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. हम लोग ज़्यादा स्पीड से आज चल नहीं रहे, थोड़ा सा कम स्पीड से चल रहे हैं. 60-65 का एवरेज मेंटेन कर रहा हूँ. व्यू तो शानदार है. कश्मीर के हाउसेज यार इतने ब्यूटीफुल है ना, आप पूछो मत यार, इतना सही लग रहा है. जैसे आप देखो सामने एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार. इतना खूबसूरत कश्मीर को क्यों खूबसूरत बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं इसको, लेकिन यार लोग इसको बर्बाद करने पर तुले हुए थे पहले. ये आर्मी की मूवमेंट्स हैं, ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं रोड को. आई थिंक वैसा मोड़ रहे हैं, इस वाले व्हीकल को मोड़ने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, दिखाई नहीं देता है. देखो एकदम पूरा आर्मर्ड व्हीकल है CRPF का. सिक्योरिटी तो इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है पूछो मत. अभी हम पहुंच गए हैं, बज रहे हैं 11:43 और पहुंच गए हैं हम लोग अभी पुलवामा में. यहीं पे हुआ था पुलवामा अटैक हुआ था पीछे, अभी सेंटर था बेसिकली. वहां पे अटैक नहीं हुआ था, अटैक कहीं और हुआ था, लेकिन वो चौक था, पुलवामा चौक था. आपको मैं उस अटैक वाली साइट भी हुआ हमारे साथ में. सर अभी मैं पहुँचने वाला हूँ श्रीनगर. श्रीनगर यहाँ से 18 किलोमीटर है. अभी मैं पंपोर में यहाँ पे एक्चुअली रुका हुआ था, GoPro थोड़ी सी ख़राब हो गई थी उसको ठीक कर रहा था. तो ये पंपोर का एरिया है. पंपोर भी आपने सुना होगा नाम, आपने बहुत मतलब पहले तो हर जगह टेररिस्ट अटैक हो जाते थे, तो सारी फेमस एरियाज हैं यहाँ पे, हमें न्यूज़ में सुनने को मिलती थी. रोड तो काफ़ी स्मूथ है, मतलब मैं 100 पे चला रहा था एंड इट वाज लाइक कि और मैं भाग सकता हूँ, क्योंकि सामान है, लोड है गाड़ी पे, और 110 तक गया था, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था. वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी. रॉयल में ये प्रॉब्लम है कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है. आप जा सकते हो लेकिन फिर वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी आपको थका देगी. सो मैं 80 पे ही चल रहा हूँ, 80 पे ही क्रूज़ कर रहा हूँ यार. थोड़ा सा आगे निकल के अभी पंप मैं थोड़ा सा एरिया भी देखते जा रहा हूँ यार. ये इतनी शानदार लग रहा है ना यार व्यू. कश्मीर के हाउसेज आप देखो तो सब कुछ सारे वो डायगनल, सॉरी ट्रेंगुलर शेप में है. इनकी वो है रूफ है, और हर जगह जहाँ भी यहाँ पर नदी देखो हर जगह बोट है, मतलब यहाँ पर फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है लग रहा है. तो श्रीनगर हम पहुंच गए हैं गाइस, बज रहे हैं 12:38. हम थोड़ी देर रुक गए थे यहाँ पे कुछ खाने के लिए एंड अब हम निकल रहे हैं. सो यहाँ से दल लेक जाना है. दल लेक में हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम आगे मैं और हैरी सोनमर्ग निकल जाएंगे. एलविन वहीं पे बोट हाउस ले लेगा, तो बोट हाउस में रहेगा. तो यहाँ पे हम लोग श्रीनगर के कट पे पहुँच गए. राइट में आपका जम्मू चला जाता है और लेफ्ट में हम लोग श्रीनगर जा सकते हैं बारामूला होते हुए. आई मीन श्रीनगर में ऑलरेडी है, बारामूला उसके बाद है. चलो भाई चलो चलो चलो. हो गर्मी है आज, मतलब कर कैंपिंग करने का प्लान हो श्रीनगर में तो आज पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, तो सोनमर्ग जाना पड़ेगा. सोनमर्ग में ही कैंपिंग करेंगे. निशान डैटसन की शोरूम है भाई यहाँ पे, तो
पीछे रॉयल इनफील्ड की शोरूम थी, लेकिन बाइक का मैं ब्रेक शूज सोच रहा था चेंज करा दूं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी हो सकता है वो। सो अभी हम श्रीनगर के लिए एंटर कर चुके हैं और अब बस 7 या 8 किलोमीटर है श्रीनगर यहाँ से। ऑलरेडी हम श्रीनगर के एरिया में ही हैं, सो अगर आप डल लेक की बात करें तो वहाँ पे शायद 10 या 12 किलोमीटर होगा, लेट्स सी। सो अभी गाइज अपडेट ये है कि एंड ऑफ द डे 2 मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ एक नई वीडियो में आऊँगा दोबारा, बट उसके पहले मैं आपको अपडेट ये बता देता हूँ कि अभी हम लोग डल लेक ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और मेरे पीछे डल लेक है, आप देखो। सो ये है डल लेक, पीछे आपको मैं दिखाता हूँ। सो ये श्रीनगर में आप आते हो श्रीनगर, और लाइक जैसे आप श्रीनगर में एंटर करोगे तो लेफ्ट आपको श्रीनगर के लिए एंटर हो जाता है, राइट आपको जम्मू चला जाता है, और वहीं रोड सीधे पकड़ के आ जाना है आपको, सीधे डल लेक में आप आ जाओ। डल लेक पूछ सकते हो आसपास किसी से कहाँ पे है डल लेक, और प्लान तो हम कर रहे थे शिकारा राइड करने के लिए, लेकिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और अभी हमें जाना है सोनमर्ग यहाँ से, जबकि जो कि 90 किलोमीटर है। सो प्लान ये करें सोनमर्ग में आज रात बिताएंगे, और अभी हम आपको एक छोटी सी क्विक शॉट दिखा देते हैं सो इसका डल लेक का, जो आप अभी इंजॉय कर रहे हो। सो ये देखो, ये है आपका डल लेक, ये सारे हाउस बोट्स हैं, आपको अगर हाउस बोट में आना है तो आप हाउस बोट में आ सकते हो, और ये शिकारा राइड आपको करना है तो यहाँ से ऐसे बहुत दूर तक वो लेके जाते हैं। बहुत बड़ी झील है ये, और यहाँ पे शंकराचार्य मंदिर है, ऊपर में शंकराचार्य मंदिर है, अगर आपको शंकराचार्य मंदिर पे जाना है तो आप उधर ऐसे जा सकते हो बाइक से, प्लस 250 आपको सीढ़ियाँ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि आपको 250 सीढ़ियाँ भी चढ़नी है। हम लोग सोच रहे थे शंकराचार्य मंदिर जाएँ, लेकिन अब पॉसिबल लग नहीं रहा है क्योंकि हमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और ऊपर से ये भी है क्या कहते हैं बाइक में सामान वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पॉसिबल है नहीं वहाँ जाना। सो ये है हमारा डल लेक का व्यू, और आपको बस एक अच्छी सी छोटी सी शॉट दिखा देते हैं। तो ये देखो डल लेक, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो टुडे। आज की जो डे 2 की ब्लॉग थी वो मैंने हाफ पार्ट में ही डाला है। सो रामबान से लेकर के डल लेक तक हमारी एक राइड की प्लान थी, जो कि हमने कर लिया। अब यहाँ से सोनमर्ग जाएंगे जो कि 90 किलोमीटर है, उसका एक मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो अभी आप देखो एंजॉय करो, और आपने अभी तक अगर आपने मेरे कंटेंट को लाइक किया तो अगर आप कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। मिलते हैं दूसरी ब्लॉग में जल्दी एक नई कंटेंट के साथ। टिल देन हैव फन एंड स्टे सेफ। गुड बाय, थैंक यू, एंड थैंक यू फ्रॉम डल लेक।